सासू माँ को देके आती हूँ चाय और पकौड़ी, फिर जाके बाकी को भी दूंगी और हम भी खाएंगे, ठीक है? आपके लिए भी बना रही हूँ, ठीक है? दोस्तों हमने निकाली है नई गाड़ी, पर हम अभी मंदिर में गए हैं और हमने मिठाई भी नहीं बांट रखी है। हेलो, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और जय श्री राधे कृष्ण। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी स्वस्थ है मस्त है। तो रोज की तरह मैं हूँ होटल में और आज होटल में बना रही हूँ खाना। क्या क्या बनाती हूँ वो आपको दिखाती हूँ, ठीक है? अभी बजे है सुबह के 7:30, 7:30 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मैं अभी नाश्ते में रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ बहुत टाइम हो गया पकौड़ी नहीं खाई तो पकौड़ी बना लेती हूँ सबके लिए, चाय और पकौड़ी, ठीक है? चलते हैं। ये है सब्जी और यहाँ पे काटा है प्याज और यहाँ पे आलू पतले पतले करके, ये हरी मिर्ची, ये बंदा गोभी की बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं इसके बनाती हूँ पकौड़े फटाफट, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ी और उसमें मैंने सारी सब्जियाँ मिला दी है और अब पानी मिला रही हूँ। ये देखो, इसको गोद गोद के फिर बनाऊँगी पकौड़ी। आप भी खाओगे पकौड़ी? वैसे दुकान में हम पकौड़ी बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि जब लोग ऑर्डर देते हैं तभी बनाती हूँ, और नहीं तो आजकल यहाँ को मोमो, चाउमीन, सूप, ये सब ही ज़्यादा चलता है। पकौड़ी बहुत कम खाते हैं आजकल लोग।
तो यहाँ पे बन गई है मेरी पकौड़ी और यहाँ पे चाय भी बन गई है। अब मैंने चाय भी सासू माँ के लिए रख दी और पकौड़ी रख लेती हूँ फटाफट, उनको दे के आती हूँ, फिर जाके हम खाएंगे। कुरकुरी पकौड़ी हुई है बड़ी अच्छी। तो ये अभी अभी उठ के आ रहे हैं और मैंने उठ के सारा काम कर लिया है और भाग गए। और ये मैं लाई हूँ आज घर से, घर के वाले भट्ट और ये घोट। आज मैं इसकी दाल बनाऊंगी, इसके डुबके बनाऊंगी, आपको खिलाऊंगी, ठीक है। तो मैं करते करते सारा काम कर लिया। बिल्कुल तो मेरी पकौड़ी भी बन चुकी है और मैंने यहाँ पे निकाल दिया है रायता और मोमो की चटनी बड़ी तीखी वाली है। और ये है पकौड़ी, अब मैं खा रही हूँ, देखो। अच्छा रहे ना, मस्त हो रहे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी धो रहे हैं गाड़ी, और कोई नई गाड़ी निकाल के लाए थे तो उनकी गाड़ी धो रहे हैं। ये देखो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमारा छोटा सा वर्कशॉप भी है ना, गाड़ी धुलाई का और हवा पंचर ये सब करते हैं। ये है उनकी गाड़ी, ये उन्होंने धुलवाने के लिए दी थी तो अभी धो रहे हैं। तो नई गाड़ी देखकर सब लोग बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड जी को बधाई हो, कब ली गाड़ी। तब जाके मैंने भी उन्होंने भी झूठ बोल दिया, हाँ ली है। और ये देखो हिमांशु को ठगा रहे हैं हम गाड़ी ले ली करके। तो यही रूटीन रहता है मेरा रोज का, कभी कुछ बनाओ कभी कुछ बनाओ होटल में, और कभी घर आ गए तो खाना बनाओ खिलाओ फिर बर्तन साफ करो। ये देखो मैंने मट्ठा पानी थोड़ा मलाई थी तो आपको दिखा रही हूँ मैं, इसको फ्रिज में रख दूँगी, फिर ऊपर से इसकी मलाई आ जाती है बाद में मक्खन। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी सासू माँ आई है दुकान में कपड़े धोने के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे कुआँ है ना, घर में पानी नहीं आ रहा आजकल और मुझे टाइम भी नहीं मिलता। वो अपने कपड़े खुद ही धोते हैं और मुझे जब टाइम लगता तभी मैं बच्चों के अपने कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि दुकान में बहुत सारा काम होता है ना इसलिए। तो यहाँ पे अभी मैं मैदा गोद रही हूँ, मैंने मोमोज भी बनाने हैं और फास्ट फूड सारा तैयार करके रखना है, फिर दिन का खाना भी बनाना है, सारा सामान रख के तभी तो आएंगे लोग, तभी खाएंगे। हमने ये सारा फेंटा पी लिया है और ठंडे के मारे दो दो फेंटा पी लिए हैं और नींबू पानी भी पी लिया है। और बहुत गर्म हो रहा है आज और बारिश आने वाली है शायद शाम तक लग रहा है। हम बैठे हैं यहाँ पे आज बहुत गर्मी हो रही है, बहुत सारा गर्म हो रहा है यहाँ जो ऐसा हाल है, तो बाहर दिल्ली मुंबई लोगों का कैसा हाल हो रहा होगा। हे राम शिव शिव हे राम। हवा भी पड़ रही है बाहर पर गर्मी भी बहुत है, ये देखो हवा पड़ रही है, झंडे उड़ रहे ना हमारे।
तो दोस्तों आज का यही ब्लॉग समाप्त करती हूँ। बाय बाय।